हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं बालचरित सीरीज की चौथी कॉमिक फिनिक्स का पहला भाग। एक रहस्यमय एवं अत्यंत गुप्त दल हंटर्स को जुपिटर सर्कस के अतीत से चाहिए एक ऐसी वस्तु जो हंटर्स को बना सकती है अजय। लेकिन उस वस्तु के और हंटर्स के बीच खड़ी थी सुपर कमांडो ध्रुव के नाम की दीवार, जिसे क्षतिग्रस्त करने में कामयाब होता है हंटर्स दल का युवराज वक्र। अब ध्रुव जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच के उस क्षेत्र में जो कहलाता है नो मैंस लैंड, जहां बस्ती या इंसान की भूली बिसरी यादें। उन यादों में भी खतरे में है ध्रुव की माँ और खुद भ्रूण ध्रुव का जीवन, क्योंकि कोई है जो ध्रुव को जन्म लेने से रोकना चाहता है। कौन है वह? क्या कोई संबंध है ध्रुव की यादों का उसके वर्तमान से? क्या यही अंत है ध्रुव का, या मौत को मात दे सकेगा ध्रुव उसी तरह जिस तरह अपनी ही राख से पुनः जन्म लेता है फिनिक्स? मौत का कोई जवाब नहीं, या जवाब है? ध्रुव को ये दवाई तुरंत दे दो। ये दवाई कोई अंधेरे में रखकर गया है ध्रुव के लिए। हमें इसे ध्रुव को पिला देना चाहिए बिना वक्त खोए, और ध्रुव को हमेशा के लिए खो देना चाहिए। अभी भी इसके शरीर में जीवन का कोई लक्षण नहीं है, डॉक्टरी भाषा में यह मर चुका है। कहीं यह इसके दुश्मन का काम हुआ तो रही सही उम्मीद भी चली जाएगी। वैसे भी इसको रिवाइव करने की कोशिश मैं तुम्हारे इस ऑब्जर्वेशन पर कर रहा हूँ कि इसने अभी एक बार पलक हिलाई थी। नर्स का ये देखना भ्रम नहीं था, ध्रुव को अभी मौत की सरहद पार करनी बाकी थी। अभी तो वह अपनी पुरानी यादों के नो मैंस लैंड में था, जाबाज इंसानी फर्ज इंसान फर्ज के लिए जाबाज इंसान फर्ज के लिए मौत से भी टकरा जाते हैं। रण क्षेत्र बनता है नो मैंस लैंड, जिंदगी और मौत के बीच की वह जगह जिसमें इंसान की अनजानी यादें बसती हैं। पर अगर फर्ज अधूरा रह गया हो तो मौत की आग भी उसे जला नहीं पाती। उस आग के बीच से उन यादों के साथ फिर से उभर आता है वह शख्स, अपनी ही राख से पुनर्जीवित होने वाले उस रहस्यमय पक्षी की तरह जिसे कहते हैं फिनिक्स। यादों के सागर में तैरता ध्रुव का मानस पूरी घटना को साफ देख रहा था। स्थिति प्रतिकूल भी थी और विकट भी। नींद की दवाई के आगोश में जकड़ी हुई थी बिस्तर पर लेटी राधा। गर्भ में जाग रहा था 16 हफ्तों का भ्रूण ध्रुव, और दोनों के सिर पर खड़ी थी किसी रहस्यमय शख्स द्वारा भेजी गई मौत, नर्स शेफाली। बड़ी प्लानिंग के बाद यह मौका मिला है। मार तो तुझे मैं कभी भी देती पर भागने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज तू मरेगी क्योंकि तू नींद के साथ बिजी है और तुझे बचा सकने वाले जुपिटर सर्कस के तेरे दोस्त खराह से निपटने में व्यस्त हैं। पर घबरा मत, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तकलीफ तो तब होती है जब होश सलामत रहें। बड़ाम आह नट्टू, और बच्चा तब तक बचा है जब तक गर्भाशय सलामत रहे। अरे तू तो दवाइयों के असर में थी, तू होश में कैसे आ गई? पेट में धक्का लगा जैसे खतरा भाप कर बच्चे ने लात मारी हो। असंभव, 16 हफ्ते का बच्चा लात नहीं मारता। कैसा बच्चा है रे तेरा, शैतान की औलाद लगता है। अब तो इसे मारना ही होगा। श्याम श्याम, तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, बाहर धमाके सुन रही है ना, हमारे साथी ने हमला किया है। खरा तक पहुंचना सिर्फ एक हाल में संभव है, चीथड़ों में। ओह ये कैसे फट पड़ा, मैंने तो इसे कोई आदेश दिया ही नहीं। धन्यवाद एकाक्षी, क्या निशाना था। आभार श्याम भाई, यह सर्कस का शूटर है, बचपन से एक आंख वाला है, नाम भी एकाक्षी है। इसको निशाना लगाने के लिए आग बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, समर्पण कर दो। मेरा निशाना बहुत खराब है, इसलिए मैं गोलियों से दूर रहता हूँ और बमों के पास, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथ में थमे रिमोट का बटन दबाते ही वैन का दरवाजा खुला और अंदर से पंजों में तुरंत बम थामे दर्जनों कबूतर हवा में फड़फड़ाने लगे। भड़ाम ओह, ये कबूतर अब पूरे सर्कस का काम तमाम कर देंगे, ना बचेगी बांसवाड़ी और ना बचेगा बांस। बूम बूम, एक को बचाने के चक्कर में तुम सब मारे जाओगे, शमशान बन जाएगा ये सर्कस। पर क्यों, कौन हो तुम लोग, क्यों मारना चाहते हो राधा को, किसके इशारे पर काम कर रहे हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें मुझे मारकर, क्यों कर रहे हो ये तुम? डॉक्टर भी तुम्हारे साथ शामिल है क्या? होगी क्यों नहीं, उसके इकलौते बेटे को उड़ा जो लिया है हमने, संभाल कर रखा है पूर्वी शमशान घाट के शिव मंदिर में। अब ये सीक्रेट मैंने तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि तू भी वहीं जाने वाली है शमशान घाट में। पर एक सूरत है बचने की, अगर जीना चाहती है भटाक, तो बच्चे को मार दो, गिरा दे इसे। बच्चा यानी तू मेरी नहीं मेरे बच्चे की जान के पीछे है। एक माँ से कह रही है तू कि शिशु को मार दे,
अब तक तू राधा पर वार कर रही थी, पर अब तूने एक माँ को ललकारा है, और माँ अगर दूध पिला सकती है तो खून पी भी सकती है। ठाक, तू अच्छी लड़की है, ये रिपोर्ट है हमारे पास, पर अभी तू नींद की दवाई के नशे में है, मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। बड़ी मुश्किल से आंखें खोल रखी निराधा ने, और उसके शिथिल अंगों में उसके दिमाग का आदेश मानने की शक्ति नहीं थी। धाड़ भड़ाम, सुन रही है ना ये धमाके, ये तेरी मौत और हमारी जीत के एडवांस जश्न के पटाखे हैं। भ्रूण ध्रुव सबको सुन रहा था, धमाके भी। आओ, इसका निशाना तो सटीक है, ले आए बिना मेरे धमाके तुम सबको जमीन पर। अब अपने घायल शरीरों के साथ देखो अपने सर्कस की पूरी तबाही। कबूतरों का झुंड अब टेंट के अंदर जाकर अंदर का सबको चुड़ा देगा। ऐसा नहीं होगा, एकाक्षी कटीरा, इन कबूतरों को किसी भी तरह अंदर जाने से रोको। कोशिश तो यही है बॉस, निशाना भी सही बैठ रहा है, पर कबूतर तादाद में बहुत ज्यादा हैं। मुझे एक चाकू से 3 गोलियों का काम लेना पड़ रहा है, चाकुओं की कमी है कटीरा के पास। हम कुछ भी कर लें इन्हें रोक नहीं पाएंगे। सही कहा, काम असंभव लगता है, पर सवाल राधा की जान का है, इसलिए असंभव को संभव करना ही होगा। तुम घायल हो श्याम, लगातार धमाके हो रहे हैं। इन कबूतरों को तो सामान्य परिस्थितियों में पकड़ना मुश्किल है, फिर ऐसी सिचुएशन में करना है तो करना है। जैकब अंकल, तरीका है मेरे पास, बस उसके लिए मुझे इन कबूतरों से पहले टेंट तक पहुंचना होगा। न पैरों में लगे घाव और न बबों का दबाव कुछ भी श्याम की गति को कम करने में अक्षम था, क्योंकि सवाल राधा की जान का था, राधा की जान या गर्भस्थ शिशु की जान। अब भी सोच ले, हमें तुझे मारने के कोई आदेश नहीं है। अरे तकिए की ढाल, ऐसे बचकाना आइडिया तुझे आया कैसे? बस ऐसा लगा जैसे दिमाग में कोई फुसफुसाया, और देख तेरी फुस निकाल दी इस आइडिए ने। आओ, बड़ा स्पंजी तकिया है, स्प्रिंग जैसा। आह, लेकिन तेरे पैर अभी इतने गद्देदार नहीं है। अब मैं तकिए की ढाल को तेरे हाथों में लगने ही नहीं दूंगी, इस बेड को इसके हाथों से छुड़ा नहीं होगा, और इसके लिए मुझे इस तकिए का ही सहारा है। और यह इस तकिए को मुझसे दूर रखने के लिए तकिए को पैर से जोर से दबाने की कोशिश जरूर करेगी। अब मेरे पैर के नीचे होगी तेरी ढाल तकिया, और मेरे बेटे के बीच होगी तेरी खोपड़ी। अब मेरे पैर के नीचे होगी तेरी ढाल तकिया, और मेरे बेड के नीचे होगी तेरी खोपड़ी। अरे अरे, मेरा पैर धसा क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने तकिया गड्ढे के ऊपर रखा है। मुझे पता था कि तू पूरा दम लगाकर पैर दबाएगी, असंतुलित होगी, और मैं बाजी को पलट दूंगी। अब बैट वही है पर खोपड़ी बदल गई है। हा, खोपड़ी अभी भी वही है। अपने सिर पर उड़ती मौत को देख खरा का बम कबूतर तुझ तक पहुंच चुका है। जो स्वाद तुमने अभी चखा है सेठ, वह अब तुम्हारा पूरा सर्कस चखेगा। अब कुछ ही पलों में सर्कस के अंदर जगह जगह पर धमाके होंगे, एक साथ एक के चक्कर में सब जाएंगे। उल्टी गिनती शुरू, 4 3 2 1। हा, कर लिया संभव को संभव, रोक लिया उड़ते कबूतरों को। अब सुन धमाके, धमाके तो जरूर सुनूंगा, पर धमाके सर्कस के अंदर नहीं, तेरी खोपड़ी के ऊपर होंगे। ये ले तेरे सारे कबूतर और बम, जो ना गिर पाए और ना फट पाए। पर तू ने इतने सारे उड़ते कबूतरों को पकड़ा कैसे? और ये जाल इतनी जल्दी कहाँ से आया? जाल पर तो हम कलाबाज कूदते ही रहते हैं मूर्ख, और कबूतरों को उड़ने कहाँ दिया मैंने? इनके अंदर घुसने का एकमात्र रास्ता छोटा सा दरवाजा था, और उस पर कबूतरों के घुसने से पहले मैं जाल लेकर तैनात था, और जब मैंने कबूतरों को पकड़ ही लिया था, आओ, तो सोचा कि इन्हें इनके घर वापस पहुंचा दिया जाए। ये क्या किया श्याम, जाल को कहीं और फेंक देते। चलो ठीक किया, सर्कस के अंदर या तुम्हारे पास अंकल? इसकी गाड़ी नष्ट नहीं होती तो ये वह हमला करता रहता। देखिए बच गया या सांसें चल रही है, एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, इसे यहाँ से ले जाना ही बेहतर है, राधा को इसके बारे में। राधा राधा राधा, तुम ठीक तो हो? कबूतर उस बेड पर बैठा, कबूतर उस बेड पर बैठा कबूतर खतरनाक है राधा, उससे दूर। रिलैक्स श्याम, यह हमारे सर्कस का ट्रेंड कबूतर है। ओह, पर यह नर्स को क्या हुआ है? जिंदा है, इसने मुझे मारने की कोशिश की नींद की दवाई की हैवी डोज देकर। ओह, तो ये भी हमलावर निकली, पर नींद में तुम्हें पता कैसे चला? शायद शिशु ने बताया, पेट में इतनी कसके लात मारी कि एन वक्त पर आंख खुल गई। पेट के अंदर किक, फाइटर निकलेगा बच्चा तुम्हारा, यानी डॉक्टर ने हमारे साथ धोखा किया, वह भी मिली हुई है हमलावरों से। नहीं, उनके इकलौते बच्चे को इन लोगों ने पूर्वी शमशान घाट के शिव मंदिर में कैद करके रखा है, मजबूर किया गया था उसे, उसके बच्चे को छुड़ाना होगा। पहले इन्हें इस घटना के बारे में बताना होगा,
पहले उन्हें इस घटना के बारे में बताना होगा। मैं जाता हूँ उनके पास, मैं भी साथ चलूंगी, हालांकि नींद बहुत तेज आ रही है। जल्द ही तुम दोनों इतनी रात को, क्या हुआ है? कल क्लिनिक पर आना। हमें पता है कि आपको मजबूर किया गया, हमें यह भी पता है कि आपका बच्चा कहाँ। मम्मी आओ ना, मम्मी कहाँ चली जाती हो? ये वापस आ गया, हम इसी के बारे में बताने आए थे। मैं समझ गई थी कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है, पर इसे अभी अभी बाबा जी लेकर आए हैं। बाबा जी? कौन बाबा जी? ये पूर्वी शमशान के शिव मंदिर के पुजारी हैं, बाहर गए हुए थे, आज आए तो मंदिर में इन्हें मेरा बेटा मिला, इसी से पता को पूछ कर इसे यहाँ पर ले आए हैं। पर आपका लड़का तो अपहृत था, इस पर कोई पहरा नहीं था? समय आने पर विपदा स्वयं दूर हो जाती है बालक, तुम पर भी जो साया मंडरा रहा है अब हट चुका है। जाओ, निश्चिंत जीवन जियो, खतरा जा चुका है। कोई पहुंचे हुए बाबा जी लगते हैं, पर तुम्हें क्या हुआ राधा? बाबा जी, इन्हें मैंने देखा है, जैसे मैं जानती हूं इन्हें, असंभव, हम पहली बार तो इस शहर में आए हैं राधा। वैसे भी सारे बाबा तो एक जैसे ही लगते हैं। नहीं, मैंने देखा है इन्हें, देखा होगा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी जरूरत है तो आराम की। सो गई राधा, सब ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर ने चेक कर लिया था, बच्चा ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या हुआ? खरा और शेफाली दोनों ही पुलिस के पास हैं, बेहोश हैं पर खतरे से बाहर हैं, यानी उन दोनों से हमें सच का पता चल सकता है शायद, पर न जाने दोनों को होश कब आएगा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना। इतना इंतजार करना अब संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मेरी बात समझने की कोशिश करना जैकब, अगर राधा पर हमला करने वाले का पता चल जाए तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ, पर यह अभी संभव नहीं लग रहा है। मैं और खतरा मोल नहीं ले सकता, अब मुझे ना चाहते हुए भी क्या, मुझे राधा के साथ जुपिटर सर्कस को छोड़कर किसी गुप्त स्थान पर जाना पड़ेगा, जहां पर दुश्मनों को हमारी खबर तक ना लग सके। यानी अब तुम्हें हम पर भरोसा नहीं रहा? तुम समझते हो कि हम दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, या तुम हमें पराया समझने लगे हो? होश से काम लो जैकब, सर्कस सिर्फ हमारा परिवार नहीं, बिजनेस भी है। इन हमलों से जूझते रहे तो हमारा कलाकार प्रैक्टिस कब करेंगे? तुम कब तक अलग अलग शहरों के थानों के चक्कर लगाते रहोगे? और फिर कुछ महीनों की ही तो बात है, बच्चे का सकुशल जन्म होते ही हम वापस लौट आएंगे। सही सोचते हो तुम श्याम, जाओ सामान बांधो, नो मैंस लैंड की यादों के बीच में इतना समय बिता पाना असामान्य बात थी। आमतौर पर मौत इतनी चहलकदमी की इजाजत नहीं देती। हाय, पहचाना मुझे? एक ड्रोन के धमाके में हम दोनों बिछड़ गई थी, तुम यहाँ कैसे? आई एम श्वेता, तुम अगर वही हो जो DNA टेस्ट कहते हैं, तो तुम मेरी मुंह बोली माँ हो, वही जिसने मेरी माँ को पहली मुलाकात में 2 टूटी पसलियों का तोहफा दिया है। इसलिए पहले तो मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट दे दूँ, फिर उसके बाद ऐसा था हूँ। ये तो गजब की फाइटर है यार, ये छत के रास्ते भागना चाहती है, पर ये यहाँ पर आई क्यों थी? ध्रुव, मैं इसके पीछे जाती हूँ, तुम ध्रुव को जाकर देखो। करेक्ट, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे माँ जी समझते रहे, ये पाजी निकले। हॉस्पिटल में एकाएक बिल्लियों की गुर्राहट गूंजने लगी थी। ब्लैक कैट की अनगिनत आंखों से बचकर भाग पाना मुश्किल था, और मौत की आंखों से बचकर भाग पाना असंभव। डॉक्टर, 2 मिनटों से इसके बदन में हल्की हरकत भी नहीं हुई है, इंटरनल हेमरेज बढ़ रहा है, इसे वह दवाई दे ही देते हैं। कौन सी दवाई? श्वेता जी, कैसी दवाई? ये दवाई संजीवनी, ये तो घर की बनी दवाई लगती है, लेबल पर हाथ से संजीवनी लिखा है, ये यहाँ कैसे आई? पता नहीं, लाइट गई तब नहीं थी, लाइट आई तो रखी हुई थी, और साथ में ये कागज भी था। ओ, तो वह यहाँ इसलिए आई थी? आप नहीं जानती, जो भी हो वह दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। डॉक्टर साहब इसी पशोपेश में है कि ये दवाई ध्रुव को दें या नहीं। अगर यह दवाई यहाँ पर रखने वाला दुश्मन हुआ तो ध्रुव के बचने की रही से ही 1% उम्मीद भी चली जाएगी, लेकिन अगर वह दोस्त हुआ तो दवाई कारगर हो सकती है और ध्रुव मौत की दहलीज से वापस आ सकता है। अब यह फैसला तुम्हें लेना है श्वेता, कि इस दवाई को यहाँ लाने वाला दोस्त है या दुश्मन, क्योंकि इसी फैसले पर यह निर्भर करेगा कि ध्रुव के बचने की संभावना ज्यादा है या मरने की। श्वेता ने अपने विवेक से एक कठिन और खतरनाक निर्णय लिया था, और अब इस निर्णय का भी समय आ गया था कि वह रहस्यमय स्त्री दोस्त है या दुश्मन। रास्ता खत्म, तुम साफ, रास्ता साफ, मामूली सा काम है मेरे लिए, पर मैं इतना बता दूं कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त भी तो नहीं हूँ। बिंगो, मैं ना दोस्त हूँ ना दुश्मन, मैं तो सिर्फ एक कुरियर हूँ, डिलीवरी गर्ल, तो एक डिलीवरी
हमारे लिए भी कर दो, मुझे भी कुछ चाहिए। यह हुई ना बात, बोलो क्या चाहिए। हंटर्स के हेडक्वार्टर का पता, कपड़े की दुकान पर अनाज खरीदने आई हो तुम। मैं हंटर नहीं हूँ, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पर उस पते का तुम करोगी क्या? शमशान तो हर शहर में होते हैं। वही तो बनाना है हंटर्स के ठिकाने को, शमशान। क्या चाहिए तो तुझे हंटर्स से? अपनी पूरी जिंदगी। यह हिंसक रूप मुझे हंटर्स के कारण ही अपनाना पड़ा। हंटर्स के कारण? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज से सालों पहले जगह महसाना, गुजरात की दलदली जमीन पर बनी एक हाई सिक्योरिटी लैब, अत्यंत गुप्त। उसे या तो वहां पर काम करने वाले जानते थे या फिर हंटर्स। तुम ये कहानी कैसे जानती हो? ये कहानी तो तुम्हारा चौंकना मुझे बता गया। तुम एक हंटर हो, और अगर तुम सच में ध्रुव की माँ हो तो ध्रुव एक हत्यारिन की पैदाइश है। उफ, तुम नहीं जानती कि तुम क्या बक रही हो, लेकिन अगर तुम सच में जानती हो कि तुम क्या बक रही हो, तो तुम्हारी बकबक को हमेशा के लिए शांत करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी को फुसफुसाने से हवाएं भी कतराती हैं। आज हवा बंद है, इसलिए कहानी तुम्हें सुनानी पड़ेगी। और यह भी बताना पड़ेगा कि ध्रुव की जान बचाने का इससे क्या संबंध है। तुम्हारी लाई दवाई को पीकर ध्रुव की पलकों में एक बहुत मामूली सी हरकत हुई थी। कौन सी दवाई? अभी माताजी की याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है? एक झटका और देना पड़ेगा। मैं तुम दोनों से एक साथ निपट सकती हूँ, पर ना मेरे पास समय और ना ही कोई कारण। श्वेता, ये क्या किया तुमने? मैंने जो किया उसकी चिंता छोड़कर अपनी साथी की चिंता करो। देखो जिंदा है भी या नहीं। श्वेता, थैंक गॉड, फटाफट मेरी पूंछ को पकड़कर ऊपर आ जाओ। उफ, मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। मैं और नीचे आती हूँ, तुम बस थामे रहना। मेरा हाथ फिसल रहा है श्वेता। अब श्वेता का गिरना सिर्फ एक ही चीज रोक सकती थी, जमीन। और तभी सबने देखा वह चमत्कार। श्वेता का गिरना थम गया, शरीर हवा में तैरने लगा और फिर ऊपर उड़कर मुंडेर के पास मंडराने लगा। ये क्या था? ऐसा लगा जैसे किसी ने गिरते गिरते मेरा हाथ पकड़ लिया हो। थैंक गॉड, आप मिल गई श्वेता जी। कमिश्नर साहब बहुत परेशान है, पर आप उड़ने कैसे लगी? और वह काली बिल्ली कहाँ गई? और आप यहाँ पर आई कैसे? जिसका घायल भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, वह बहन हॉस्पिटल क्यों आएगी? ये बात भी मुझे आपको लोगों को बतानी होगी। आई एम सॉरी, इट्स ओके। वह बिल्ली यहाँ से जा चुकी है, आप लोगों के करने लायक यहाँ अब कुछ भी नहीं है। मैंने ऊपर आते वक्त ब्लैक कैट और उस औरत को बात करते सुना था। ब्लैक कैट का पुराना रिश्ता है हंटर से, पर क्या? और अगर वह रहस्यमय माँ सच में एक हंटर नहीं है, तो उसे इस कहानी का कैसे पता? लेकिन अगर वह ध्रुव की माँ और एक हंटर है, तो फिर ध्रुव का भी कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर है हंटर से, और वह भी उसके जन्म के समय से। जब मैं यहाँ आई थी तो यही मेरा घर बन गया, मेरा मायका। फिर शादी हुई तुमसे और यह मेरा ससुराल भी बन गया। विदाई तो मेरी कभी हुई नहीं, लेकिन आज लग रहा है जैसे मेरी विदाई हो रही है। हो गई तैयारी? हाँ, टैक्सी मंगा दो। मंगा दी? वह लगातार यही पूछ रहा है कि जाना कहाँ है। बता देंगे, लेकिन आपके लिए यह जानना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, प्रसूति मेरी मौजूदगी में होगी। अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। हम इजाजत दीजिए, हमने तो पहले ही दे दी है, अब उनसे भी ले लो। उनसे किन से? आपके अलावा इस बारे में और किसे पता है? पूरे सर्कस को। ना ना, मेरी तरफ ना देखो। मैंने खुद नहीं कहा, ये बातें तो हवा में फैलती हैं। पर घबराओ मत, मैंने सारे कर्मचारियों को समझा दिया है कि यह निर्णय तुमने अपनी भलाई के लिए लिया है, पर उनकी इस बात को किसी और ने भी सुन लिया है। सर्कस के कर्मचारियों के अलावा यहाँ और है कौन? ये इन्हें किसने बताया? ये अपने रखवालों की बातचीत सुनते रहते हैं। इन्हें मूक समझते हो क्या? इनमें से कई तो राधा के ही पाले हुए हैं। आज इन्होंने अपने अपने बाड़ों में जाने से साफ मना कर दिया, अड़ गए और यहाँ पर आकर धरना दे दिया है। अब इन्हें समझा सकते हो तो समझा लो। अब इन्हें कैसे समझाऊं? बिल्कुल, दोस्ती से बड़ा खतरा हो गया। यानी अब से सर्कस के जिस सदस्य पर खतरा आएगा, हम उसकी मदद करने के बजाय उसे भगा देंगे। यही संदेश दे रहे हो तुम? लेकिन सॉरी, ये बेजुबान तक तुमसे सहमत नहीं है। इनसे बहस नहीं कर सकते श्याम। अब बोलो क्या सोचते हो? सच में गलत था मैं ये संदेश देने चला था कि खतरा आने पर हम एक नहीं अलग हैं। अगर किसी और पर खतरा मंडराता तो क्या मैं उसे जाने देता? कतई नहीं। अब जो होगा यही होगा, हमारा बच्चा यही पैदा होगा। चिया। इस घटना के बाद महीने दर महीने बीतते गए, और पता नहीं इस अद्भुत एकता के कारण या रहस्यमय बाबा के आशीर्वाद के कारण जुपिटर सर्कस या श्याम राधा पर कोई हमला नहीं हुआ। और आखिरकार वह दिन भी आ गया। जल्दी जैकब अंकल, जल्दी। घबराओ मत श्याम, समय से अस्पताल पहुंचा दूंगा राधा को। जैकब एक्सपर्ट ड्राइवर था और उसे शहर की गलियों
का अच्छा आइडिया था। हम मुख्य सड़क से नहीं जाएंगे, ऐसे हम कई ट्रैफिक सिग्नल से बच जाएंगे। हौसला रखो राधा, हॉस्पिटल अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर और ये आ गए हम गली से बाहर। अस्पताल वाली रोड पर जीजस, रोड तो जाम है, कोई जुलूस है। मैं राधा को गोद में उठाकर ले जाता हूँ। रुको, मुझे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी, इसलिए मैं ऐसी स्थिति से निपटने का यंत्र इस वैन में साथ लेकर चला था। मुझे पता था कि इस शहर में ऐसी हरकतें होती रहती हैं। गर्र, लो खुल गया जाम, अब 2 मिनट में हम अस्पताल में होंगे। एकदम सही समय पर आए हैं आप लोग, अब यहीं रुकिए, अब यह हमारी जिम्मेदारी है। अब बस करो यार, तेरे टहलने से बच्चा जल्दी पैदा नहीं हो जाएगा, बैठ जा। अरे आप गलत समझ रहे हो जैकब अंकल, मैं तो हाँ उस शेर के बारे में सोच रहा था। बेचारा वैन में बंद, उसकी चिंता तू छोड़ दे, पीछे से उसका ट्रेनर शेर खान उसे वापस ले जाने के लिए आते ही होगा। वैसे अच्छा याद दिलाया, मैं उसे देख कर आता हूँ, शायद आ भी गया हो। हो गया बच्चा, वाह। रामफल कौन है, लड़की हुई है? रामफल कौन है, लड़की हुई है? मैं हूँ रामफल, लाओ दिखाओ मेरी बच्ची। धत तेरे की। नसीम, देवाशीष, सुखविंदर सिंह, जोसेफ आर्थर, श्याम। अरे श्याम है कोई यहाँ पर? राधा का श्याम? श्याम कोई है नहीं शायद। श्याम, श्याम, अरे श्याम है, मैं हूँ श्याम। कहाँ है मेरा बच्चा? ये है तुम्हारा बेटा। ये मेरा बेटा है? कितना प्यारा है, नजर ना लगे इसको। इसे काजल का टीका लगा दूँ? मैं लेके आया था काजल। अरे अभी नहीं, अभी इसका वजन लेना है, फिर डॉक्टर साहिबा देखेंगी इसे, और फिर इसे माँ के साथ कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। बस 10-15 मिनट और इंतजार करो। ध्रुव, अब तक जो माँ की आंख कान से देखता सुनता आया था, उसे अब यह अब वह खुद महसूस कर रहा था। माँ के शरीर से अलग होना कितना सुखदाई होता है और कितना दुखदाई, ये एक नवजात शिशु ही समझ सकता है। नई नई गंधे, नई नई आवाजें और शरीर पर बहती हवा का स्पर्श सब नया नया था। पर शिशु को तो एक खास गंदगी व्याकुलता थी, अपनी माँ की गंदगी, और माँ का आंचल ज्यादा दूर भी नहीं था। लो ये रहे तुम्हारा बच्चा और पत्नी। श्याम देखो, सुंदर तो है ना हमारा बच्चा? मेरी तो आंखें अभी तक दवा के असर से धुंधली हैं, ठीक से दिख नहीं रहा। हाँ पर ये तो मैंने तो इसे चुपचाप काला टीका लगाया था, कहाँ गया? अभी तो शक्ल भी, अरे नवजात बच्चे को टीका नहीं लगाते, हैंड नर्स से साफ कर दिया होगा। पर बधाई हो, बधाई हो, बच्चा हुआ नहीं कि टीके का टोका टोना। अले ले ले ले, पर मैंने बच्चे को काला टीका लगाया था, अब गायब है। ओहो, इतनी सी बात, बाहर हमारा पूरा सर्कस जमा होने वाला है। मैं अभी इसे उन्हें दिखाकर लाता हूँ, तुम राधा को संभालो। अरे पर बच्चा भूखा होगा ना, आता हूँ ना। लो मैं तो अपने बच्चों को ठीक से देख भी नहीं पाई और जैकब अंकल ले गए उसे। चिंता मत करो, जल्दी वापस आ जाएंगे जैकब, बच्चे को रुलाएंगे नहीं। पर ये जैकब अंकल बच्चे को लेकर कहाँ चले गए? कहीं कोई शुभ शुभ सोचो, जैकब जान दे देंगे, पर बच्चे पर कोई आ रहा है। बधाई हो राधा श्याम को, अब फटाफट बच्चे के दर्शन भी करा दो। पर बच्चे को तो जैकब अंकल ले गए हैं, तुम लोगों को दिखाने। पर हमें तो जैकब कहीं नहीं दिखे, हम उन्हीं का तो इंतजार कर रहे थे। खैर जाएंगे कहाँ, हम नहीं मिलेंगे तो आएंगे तो यहीं पर। तब तक लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो। ओ गधों, मैं पूरे अस्पताल में तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर हो, पर आपने तो हमें वहीं पर इंतजार करने को कहा। फिर बहस, अच्छा तो दर्शन करो जुपिटर के नए चिराग के। पर जयका अंकल आप गए कहाँ थे? अरे इस मूर्ख श्याम को इमोशनल देखकर काजल खरीदने चला गया था। ये देखो मैंने टीका भी लगा दिया है, पर काजल तो मेरे पास ही था ना, तो बताना चाहिए था ना, तो पूछना चाहिए था ना। बस यही बात है ना जैका अंकल, लो और क्या बात होगी, संभालो अपने लाडले को। हाँ टीका लगते इसकी शक्ल पहचान में आ गई, पहले अलग दिख रहा था। छोड़ो ना श्याम भैया, अब इसका नाम सोचो, जुपिटर का चिराग है यह। चिराग नाम कैसा रहेगा? चिराग में क्या, रोशनी। ये तो स्टार है, आने वाले समय का स्टार, जुपिटर सर्कस का तारा। इसकी आंखें भी किसी तारे जैसी चमक रही हैं, इसका नाम हम अटल तारे पर रखेंगे, सबको राह दिखाने वाला उत्तर का तारा। ध्रुव, ध्रुव, जीवनदायी माँ की गोद की गर्माहट और ऊर्जादायी पिता के बल ने ध्रुव को नो मैंस लैंड की सरहद से वापस खींचना शुरू कर दिया था। इसने इसने बोला क्या? इसने बोला, अपना नाम बोला, यानी श्वेता के पास, श्वेता का पासा एकदम सही पड़ा। वह दवाई चमत्कारी थी। मैं अभी श्वेता को बुलाती हूँ। श्वेता, श्वेता, अरे अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई?
यह चमत्कार ही था कि श्वेता मेहरा नीचे गिरने से बच गई। पर कैसे हुआ यह चमत्कार? पापा, तू क्यों गई थी? कहाँ गई थी? इस हालत में? किस हालत में? और आपने मुझे ऐसे क्यों बुलवाया? आपको पता भी है? अरे, तू कोमा में थी, मौत के दरवाजे से वापस आई है तू। कम ऑन पापा, सिंपल ब्लड लॉस था। ब्लड चढ़ा तो मैं एक दिन में 50% सही हो गई। सही हो गई मतलब? डॉक्टर के हिसाब से तो तू अभी आईसीयू में होना चाहिए था। एक मिनट, मैं डॉक्टर से ही पूछ लेता हूँ। सीरियस तो थी श्वेता, पर फैटल नहीं थी, स्टेबल थी। अगर थोड़ा खून और बह जाता तो सीरियस हो जाता। पर आपने ऐसा उस वक्त तो नहीं कहा था? काफी बड़ा चढ़ाकर कहा था। ओ, वह तो ध्रुव ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। फिर उसने खुद किसी मसाला न्यूज़पेपर के ऑफिस में फ़ोन भी किया था। खुद बुलवाया था उन्हें यहाँ पर? ये तो अजीब काम किया ध्रुव ने। मुझसे भी थोड़ा रूखा व्यवहार दिखा रहा था, पता नहीं क्यों। आप समझे नहीं पापा, वह मैं अपने से दूर करके दुश्मनों को हमसे दूर रखना चाहता था। मुझ पर दोबारा अटैक ना हो, इसलिए उसने मेरे सीरियस होने की खबर फैलाई होगी। अजीब पागल है वो। मुझे नहीं तो रजनी को भी बता देता अपना प्लान। मुझे पता था, मुझसे वह कुछ नहीं छुपाता। उसी के कहने पर मैंने ऑफिशियल क्वार्टर में शिफ्ट होने की जिद की थी। यानी यानी वह गुस्सा होने का नाटक कर रहा था? जरा उसे सामने तो आने दे। अब वह शायद कभी सामने नहीं आएगा पापा। कैसे सामने नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा उसे। मुझसे मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था नालायक। सिर्फ आपसे नहीं पापा, वह सबसे दूर जा रहा है। मौत की सरहद पर है वो। बस डॉक्टर यह कहने से कतरा रहे हैं कि ध्रुव मर चुका है। ये क्या कह रही है तू? ये नहीं हो सकता। वादा किया था, कैसे जा सकता है वह बगैर अपना वादा निभाए? कहाँ पर है वह? राजनगर हॉस्पिटल में, जिंदगी और मौत के बीच की नो मैंस लैंड में। मैं अभी वहीं होकर आता हूँ। तुम यहीं पर रहना, अपनी माँ के पास ध्यान रखना। ठीक है, मैं टीवी कवरेज देख लेती हूँ। सुनते हैं, आराम से जाइएगा, चिंता मत करिएगा। चिंता तो है रजनी, ध्रुव मेरा बेटा है, वह मर नहीं सकता। राजनगर हॉस्पिटल से तो मैं कुछ पता नहीं कर सकती थी। श्वेता के मुंह से ही रिपोर्ट जान सकती थी मैं, और वह रिपोर्ट मैंने सुन ली। पर यह सच है कि ध्रुव मर नहीं सकता, क्योंकि ध्रुव मेरा बेटा है। और उसे मारने की कोई भी कोशिश मैं सफल नहीं होने दूंगी। ठक ठक, माँ माँ। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिनिक्स के अगले पार्ट में। धन्यवाद।